दोस्तों, इप्सन प्रिंटर में मुझे आज एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। प्रॉब्लम भी बताता हूँ, प्रिंटर क्या था वो भी बताता हूँ, और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सॉल्यूशन दो तरीके से बताऊंगा, इसलिए आप ये वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले प्रिंटर कौन सा था ये बता देता हूँ। प्रिंटर मेरे पास था इप्सन का EL3250। आपका इप्सन EL सीरीज में कौन सा अदर मॉडल भी रहेगा, फिर भी ये वीडियो से आपका वो जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अभी प्रॉब्लम बता देता हूँ। प्रॉब्लम ऐसा था दोस्तों, जब हम प्रिंटर को ऑन करते, प्रिंटर ऑन होने के बाद हमारे प्रिंटर का अंदर का जो हेड है वो एकदम फास्ट मूव होता है इस साइड से उस साइड में, और वो प्रॉपर सही तरीके से घूमता नहीं, और उसी कारण से हमारे प्रिंट भी आती नहीं। हमारे रेड लाइट लग जाते हैं, जो पेपर का सिंबल है उस जगह पे रेड लाइट लग जाता है, और हमारे जो कंप्यूटर लैपटॉप में पेपर जाम करके एरर आ जाता है। वैसे तो वो पेपर ही लेता नहीं, तो पेपर जाम होने का कुछ सवाल ही नहीं आता, फिर भी पेपर जाम का एरर आता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो बताता हूँ। उसका सॉल्यूशन दो तरीके से बताऊंगा। दो तरीकों में से एक तरीका जो है उसमें मैंने केबल को चेंज कर लिया है, क्योंकि मेरी जो केबल थी उसमें कट था, मुझे केबल चेंज करनी थी, तो एक तरीका ये था। और दूसरा जो तरीका है वो वीडियो के आगे बताऊंगा। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते, और वीडियो से आपको हेल्प होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बिना कुछ देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। यह है हमारा EL3250 Wi-Fi प्रिंटर। तो चलो मैं दिखाता हूँ सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। प्रिंटर को ऑन किया, प्रिंटर ऑन होने के बाद क्या प्रॉब्लम आता है वो भी समझा। तो ये देखो, हेड का कुछ आवाज़ आएगा, इधर से उधर पटकने का आवाज़ आता है, हेड जोर से मूव होता है, और इधर पेपर की जगह पे रेड लाइट लग जाता है मतलब। और यही प्रिंटर अगर कंप्यूटर को जोड़ के हम एरर चेक करें तो हमें पेपर जाम का एरर दिखाई देता है। पेपर तो जाम हुआ ही नहीं है, फिर भी पेपर जाम का एरर दिखाई देता है। तो उसके लिए दो स्टेप में मैं मेथड समझाने वाला हूँ। एक स्टेप में मैं जो बताऊँगा उसमें मैंने केबल चेंज कर दिए, क्योंकि मेरे हेड के केबल में प्रॉब्लम था। और दूसरी स्टेप भी बताऊँगा। ये देखो, पेपर जाम, इप्सन पेपर जाम। तो हमें अंदर की तरफ देखते हैं, देखो पेपर जाम तो नहीं है, और ये जो हेड मैंने घुमा दिया फिर भी ये देखो पेपर जाम नहीं है। तो चलो प्रिंटर को करते ओपन। ओपन करने के लिए दोनों साइड के स्क्रू खोल देने, आपको प्रिंटर ओपन ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये दोनों स्क्रू ओपन करने के बाद हमें जो ऊपर का फ्लैप है वो धीरे से ऊपर उठाना है, और ज़रा लॉक लगा होता है वो लॉक जो है वो पीछे से हाथ डाल के बाहर की तरफ खींचोगे लॉक निकल आएगा। उसके बाद इधर पूरी केबल का कनेक्शन लगा होता है, तो ध्यान से ये जो ऊपर का कवर है वो निकाल दो, और सारे केबलों को जो है वो बाहर निकाल लो, और बाजू में वो स्कैनर यूनिट में रख देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको भी प्रिंटर आपका दिख रहा होगा। तो इधर हमें करना क्या है, इस वाले स्क्रू को खोलता हूँ दोस्तों। मैं ये फर्स्ट स्टेप जो है वो केबल चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे केबल में प्रॉब्लम है। आप भी अपनी केबल को जो है वो ठीक तरह से देख लीजिए कि आपकी भी केबल कटी कि नहीं। जो वो बीच में वाइट कलर की केबल है वो केबल देख लो आप ध्यान से कि उसमें कुछ कट वगैरह तो नहीं है। मेरा कट है तो मैं चेंज करता हूँ दोस्तों। और जो दूसरी मेथड है वो भी बताता हूँ। दूसरी मेथड ऐसी, उसी केबल में जो केबल जिस स्लॉट में लगा हुआ होता है उस स्लॉट को निकाल के वो आपको एक कपड़ा से पोंछ के फिर से वही केबल उसी जगह पे लगा देनी। मतलब केबल को कुछ घान वगैरह लगा होगा तो घान निकल जाएंगे और हमारा प्रिंटर फिर से ऑन हो जाएगा। अगर केबल कटने होगी तो ये पहले ट्राई करना है। अगर आपको दिख ही गया कि केबल कट है तो मैं जैसे खोल रहा हूँ प्रिंटर सेम उसी तरह से वीडियो थोड़ा पॉज कर करके स्टेप बाय स्टेप जान जान के पूरा प्रिंटर ओपन करना है। तो मैं आजू बाजू के सारे स्क्रू ओपन करके अब हेड को बाहर निकाल दिया। हेड के अंदर भी स्क्रू रहते हैं, और ये केबल थोड़े ध्यान से निकालिए। ये केबल जैसे निकालोगे वैसी आपको डालनी है। तो आप ध्यान से देख लो कि मैं निकाल कैसे रहा हूँ और डालूंगा कैसे। देखो कुछ इस तरह से निकालता हूँ। ये देखो, ये हमारा हेड है। हेड के भी कनेक्शन निकाल के हेड को पहले बाजू में रख देता हूँ, क्योंकि और इसके आइटम है थोड़ा, उधर क्रैच वगैरह लग जाएगा तो हेड भी हमारा चला जाएगा, पूरा का पूरा हेड ही चला जाएगा। तो ये देखो केबल को मैंने निकाला। इस तरह से कुछ आपकी भी केबल होंगे। ये देखो मेरा कट आपको दिख गया होगा, नहीं दिखा तो मैं फिर नहीं दिखा ना तो भी मैं फिर से दिखाता हूँ किधर कट है।
ये देखो मैंने हाथ में केबल ले लिए, किधर गया कट, किधर गया यार, इधर ही था। ये देखो दिख गया कट, दिखा आपको? 1 मिनट रुको, देखो एक बारीक केबल में कटे, जो हमारे हेड के पिछली साइड में रखते हैं उसी केबल में कटे। तो ये मैं नई केबल डाल देता हूँ। नई केबल डालने के लिए पहले पीछे वाली केबल लगा दो, क्योंकि वो जो बारीक केबल होती है वो पीछे की साइड होती है, वो लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो तो वो सबसे पहले लगाओ, उसके बाद हेड की केबल लगा दो। ये मैंने हेड की केबल लगा दी, और हेड नीचे रख देता हूँ। हेड के जो स्क्रू वो भी लगा दो। हेड को मैंने नीचे रख दिया, नीचे की साइड में। एक केबल ध्यान ध्यान से किस तरह से कब मोड़नी है ये भी आप देख लो, जान लो। जो हमारी पहली पुरानी केबल निकाली है डैमेज केबल, तो उसी केबल का अंदाजा लेके वो मोड़ लो, केबल में फोल्ड कर लो, किस तरह से फोल्ड करते देख लो। इधर उधर कहाँ पर भी फोल्ड मत करो, फोल्ड करने के बाद वो अटक जाती है तो फिसलती नहीं केबल, इसीलिए हम उसको फोल्ड करते हैं। ये लो फोल्ड करके डाल दी, थोड़ी मुश्किलें आती है दोस्तों एक केबल डालने में, लेकिन ध्यान ध्यान से डालें, क्योंकि फिर से अपन एक केबल डालते वक्त अगर वो फिर से कुछ डैमेज वगैरह हो गई, इधर उधर लग के अटक के टूट गई, तो फिर से हमारी नई केबल भी डैमेज हो सकते हैं। तो मैं हेड के जो स्क्रू निकाले थे सारे स्क्रू हेड के लगा देता हूँ, मतलब हमारा हेड जो है वो पूरा तरह से पैक हो जाएगा। हमारे हेड की साइड तो मैंने केबल से पैक कर दी, सिर्फ हमें उस साइड से निकाल के जो बोर्ड है बोर्ड के तरफ केबल लेके जानी। तो मैंने व्हाइट लॉक पुरानी केबल से निकाल लिया, और फिर से इस केबल में वो व्हाइट लॉक को डाल देता हूँ। व्हाइट लॉक को डाल दिया, उधर से एक खड्डा है, उस खड्डे से पीछे की साइड में हम केबल को पहले निकाल लेते हैं, और वो जो व्हाइट लॉक है वो वहाँ पर फंसा देते हैं। वही भी फंसना सही, जो हम ये लॉक लगाते हैं तब हमें केबल जो छोड़ने होती है बाहर की साइड और अंदर की साइड, अंदर की साइड में हमारा हेड घूम सके यहाँ से वहाँ तक, उतनी साइड केबल हमें छोड़नी पड़ती है, और बाहर की तरफ जितनी भी जाए चलेगा, हमें बाहर की तरफ सिर्फ कनेक्शन लगाना होता है। लेकिन अंदर की तरफ आप देख लो कि हमारा हेड यहाँ से वहाँ जाने तक कुछ दिक्कत नहीं आई है ना केबल को। ये देखो आई, कोई दिक्कत नहीं आई, इधर हेड आया, उसके बाद ये लॉक लगा देता हूँ, हमने निकाला था पूरा लॉक, अच्छी तरह से निकाला है, देखो ठीक तरह से घूम रहा है, मतलब हमें केबल कुछ और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है घुमाने में, सही तरह से घूम रही है। और हमने केबल को भी बाहर की तरफ निकाल लिया है, और निकालने के बाद हमने जो 2 स्लॉट रहते जहाँ से वो पहली वाली निकाली वही स्लॉट में केबल को फंसाना है, या वह कुछ ज़बरदस्ती करके फंसाना नहीं, नहीं तो आपका बोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है उसके कारण। ये देखो 2 स्लॉट होते हैं, दोनों स्लॉट में ठीक तरह से लगाना है। अब ये जो हमारा पिकअप रोलर है, हमारा रोलर आगे करता है, उसके ऊपर एक कैप है, वो कैप भी लगा देते हैं। फिर भी मैं अभी हेड ध्यान से देख लेता हूँ, क्योंकि एक ही बार खोला जाता है, खोलने के बाद फिट कर दूंगा और समझेगा कि मैंने ये तो नहीं किया, तो फिर से हमें ओपन करना पड़ता है। तो हमें कुछ जो भी हम फिट करते हैं उसको पहले ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ तक सही है ना, सही होगा तो आगे जाएंगे। तो हमारा, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ तक सही हो गया है, क्योंकि हमारी केबल एकदम प्रॉपर और सही तरह से लग गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें पहले मैं फंसा नेट देता हूँ, गलत अगर फंसा दिया ना तो जब हमारा प्रिंट देंगे प्रिंटर या सेवा रोटेट होगा, उस टाइम पे हमारा केबल कट नहीं होना चाहिए। चलो टिक लग रहा है, तो उसके ऊपर के भी मैं एक कैप लगा लेता हूँ, वाइट वाली कैप, और पिकअप रोलर के ऊपर के भी कैप लगा देता हूँ। इधर एक स्क्रू रहता है, उस स्क्रू को भी लगा दो। इधर के नीचे की साइड में अभी मैं जो लगा रहा हूँ वो स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को ध्यान से लगाना होता है,
क्योंकि वो स्प्रिंग लगाने में दिक्कत आती है। आप अगर फर्स्ट बार कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएंगी वो स्प्रिंग लगाने में, लेकिन वो स्प्रिंग को इतना नहीं तान देना कि तान तान के वो डायरेक्ट कुछ काम की नहीं रहे। मैंने जिस तरह से लगाए ना उसी तरह से आपको स्प्रिंग लगाना है। उसके बाद एक स्क्रू भी सही तरह से फिट कर देना है प्रिंटर के अंदर। उतना फिट होने के बाद हमारा जो स्कैनर यूनिट निकला था उस स्कैनर यूनिट को लगा देते हैं। तो स्कैनर यूनिट के लिए हम पहले केबल लगाएंगे, जितने केबल हमने निकाले थे वो सारे केबल लगा देते हैं। केबल ध्यान ध्यान से लगाइए, जबरदस्ती करके वो केबल अंदर की तरफ मत डालना। थोड़ा वक्त लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो केबल ध्यान से लगाना, क्योंकि वो केबल अंदर की केबल बदलोगे और ऊपर की केबल खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो पीछे के लॉक अच्छी तरह से लगा देना और प्रिंटर नीचे रख देना। और अब मैं प्रिंटर को ऑन करता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कि वो जो हमारे हेड थे वो मूव हो रहे कि नहीं है। देखो प्रिंटर को ऑन किया, प्रिंटर ऑन हो गया, और जब हमारा ये देखो एकदम धीरे से हमारा हेड इधर उधर हुआ। और जब सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम था तब क्या हो रहा था, हेड डायरेक्टली जाता था उस साइड में, पटक जाता था और आवाज आता था इधर से उधर जाने का, मतलब आप उसको जो है वो प्रॉपर कनेक्शन मिल नहीं रहा था, उसी के कारण प्रॉब्लम आ रहा था। दोस्तों दोनों मेथड आपको ध्यान में आ गए होंगे, दोनों मेथड में से एक मेथड में केबल चेंज करने और दूसरे मेथड में वो पुराने केबल को पोंछ के फिर से लगा देने, मतलब कनेक्शन के साइड जो होते हैं वहाँ को की डस्ट निकाल के उसी कनेक्शन में लगा देने। अगर हुआ प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं आप तो आपको केबल बदलने होंगे। दोस्तों इस मेथड से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा जैसा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, आई होप कि आपका भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर उसके बाद भी कोई डाउट होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो।